दोस्तों एक समय था जब भारत देश में सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने का दौर हुआ करता था और इसके अलावा कुछ भी बनने का सपना देखने वाले लोगों की लोग खिल्ली उड़ाया करते थे। पर उस समय ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि आगे चल के कोई गेमिंग में भी अपना कैरियर बना सकता है। लेकिन आज के डिजिटल युग में ऐसा ही हो रहा है, जहां पर ऑनलाइन गेमिंग को अपना प्रोफेशन बनाकर लोग सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। दोस्तों आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोफेशनल गेमर के बारे में जिन्होंने अपनी गेमिंग स्किल से पूरी दुनिया में नाम कमाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आदित्य सावंत की, जिन्हें डायनामो गेमिंग के नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, शायद आपको डायनामो के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलें जो आप ना जानते हो। और अगर आप डायनामो की गेमिंग स्किल्स के फैन है तो इस वीडियो पर इनके लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आदित्य सावंत की इनकम के बारे में। दोस्तों किसी भी यूट्यूबर की इनकम बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो एग्जैक्ट आदित्य की अर्निंग कितनी है वो तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ सब्सक्राइबर्स के अनुसार डायनामो हर महीने 3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। अब बात करते हैं आदित्य की नेटवर्थ के बारे में। आदित्य की एक साल की कमाई 20 करोड़ के आसपास बताई जाती है, जो कि YouTube और ऑनलाइन डोनेशंस के जरिए आती है। इसके अलावा वे HP इंडिया और AMD इंडिया जैसे ब्रांड्स के साथ भी काम कर चुके हैं। अब चलिए दोस्तों आपको आदित्य का घर दिखाते हैं। आदित्य अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डायनामो गेमिंग की कार्स कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक ऑडी Q7 है जिसकी कीमत है 70 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास एक होंडा सिविक भी है जिसकी प्राइस है 20 लाख रुपए। इसके अलावा आदित्य के पास एक रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 बाइक भी है जिसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। दोस्तों आदित्य का जन्म 18 अप्रैल 1996 को मुंबई में हुआ था और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 24 साल। आदित्य ने मुंबई के कॉलेज से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की है। बचपन से आदित्य का इंटरेस्ट कंप्यूटर गेम्स में काफी ज्यादा था और जब भी इनको कोई अपनी माँ से थोड़े बहुत पैसे मिलते थे तब वे इन पैसों को गेमिंग पार्लर में जाके खर्च कर देते थे। और आदित्य बताते हैं कि कई बार तो उन्होंने अपने नाश्ते के लिए मिलने वाले पैसों को भी गेमिंग पार्लर में खर्च किया है। आदित्य पेशे से गेमर हैं। अब चलिए तो बात कर लेते हैं आदित्य के कैरियर के बारे में। आदित्य बहुत छोटे थे जब इन्होंने गेम्स खेलना शुरू की। आदित्य को जो भी पॉकेट मनी मिलती थी वे उसे इकट्ठा करते गए और फिर बाद में इन्होंने अपना पर्सनल कंप्यूटर खरीदा और फिर 2010 से आदित्य ने डायनामो गेमिंग नाम का यूट्यूब चैनल बनाकर अपने गेमिंग कैरियर की शुरुआत कर दी। आदित्य ने अपने चैनल का नाम डायनामो गेमिंग इसलिए रखा था क्योंकि बचपन से ही वो मशहूर जादूगर डायनामो के फैन हुआ करते थे और वे उनसे काफी ज्यादा प्रभावित भी थे। हालांकि ये चैनल बनाने के बाद 2010 से 2015 तक इनके चैनल पर सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स ही हो पाए थे और इस टाइम में वो बैटलफील्ड, डोटा, एपेक्स, GTA 5 जैसी गेम्स खेला करते थे और अपनी गेम प्ले को रिकॉर्ड करके वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाल दिया करते थे। हालांकि शुरुआती दिनों की असफलता के बाद डायनामो ने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत जारी रखी। और दोस्तों देखते ही देखते आखिर 2016 में डायनामो की मेहनत को किस्मत का साथ तब मिला जब PUBG PC गेम की शुरुआत हुई। हालांकि उनकी लोकप्रियता PUBG मोबाइल के आने के बाद से शिखर पर पहुंच गई और वो अब गेम लवर्स के आइडियल बन गए थे। साथ ही डायनामो के चैनल पर अच्छे व्यूज के साथ साथ सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए थे और अगर आज आप उनके चैनल को विजिट करेंगे तो वहां पर आपको 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही आदित्य सावंत डायनामो गेमिंग के तौर पर दुनिया के बड़े मोबाइल PUBG प्लेयर्स में गिने जाते हैं। और दोस्तों डायनामो का गेम प्ले तो शानदार है ही, साथ ही इनका अंदाज भी निराला है और लाइव स्क्रीन के दौरान बोले गए डायलॉग्स जैसे कि पट से हेडशॉट और बाप से पंगा नहीं लेते बेटे सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कहते हैं कि शुरुआत की सफलता के बाद से उनके अंदर थोड़ा घमंड आ गया था और इसी वजह से उन्होंने लाइव स्क्रीन में कुछ गलत बातें भी बोली और इसके लिए उन्हें हेट कमेंट्स भी मिले, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने पिता की सलाह पर सबसे माफी मांग ली। और इतने सफल व्यक्ति का पब्लिकली माफी मांगना उनके बड़पन को दिखाता है और शायद यही वजह है कि गेमर्स उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं डायनामो के परिवार से। इनके पिता का नाम है दीपक सावंत, इनकी माँ का नाम है वैशाली सावंत, इनकी बहन का नाम है आराध्या सावंत और इनकी गर्लफ्रेंड का नाम है कनिका। दोस्तों आदित्य की फैमिली फोटोज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आदित्य की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप आदित्य के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट कर बताओ नेक्स्ट वीडियो किस यूट्यूबर पर देखना चाहते हैं आप।
subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.